हेलो गाइस वेलकम बैक टू अध्यात्म इंस्टीट्यूट आई एम हानु योगी योर इंग्लिश मैंटोर एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर फ्लैमिंग बुक पोइम नंबर फोर अ थिंग ऑफ ब्यूटी व्हिच इज रिटन बाय जॉन किड्स जी हाँ इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी फ्लेमिंगो की जो फोर्थ नंबर की पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और उसकी जो पोइट हैं वो है जॉन केट्स उसके बारे में बात करेंगे टर्म टू में ये हमारे पोएम आ रही है और सब्जेक्टिव पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में क्या क्या पोइटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं क्या क्या वर्ड्स मीनिंग है सबके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले जान ले कि पोएम जो है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी ठीक है ना फ्लैमिंगो बुक की और इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन किट्स उन्होंने ये लिखी हुई है तो ये ध्यान रखना कई बार पोइट के बारे में पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल ध्यान में रखो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखी है जॉन किट्स ने लिखी है ठीक है ना अब देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पोइट के बारे में कि पोइट के बारे में क्या दिया हुआ है ओके कि हमारी जो पोइट है किस तरीके से उनकी पोएम्स होती है क्या चीज़ें वो ज़्यादातर इन्वॉल्व करते हैं अपनी पोइम्स में ठीक है जॉन किड्स वॉज बोर्न इन लंदन इन 1795 लंदन 1795, में इनका जन्म हुआ है 1821. 1821 इनकी डेथ कब हुई यंग एज ऑफ 25, 25 की एज में 25 की एज में ये मर गए थे ठीक है <coughs> इसके बाद देखो काई से मरे ये ड्यू टू इलनेस बीमारी से बीमारी से ज्यादातर ये बीमार रहते थे दैट्स वाई ये मर गए ठीक है ना नाउ ही इज अ रोमांटिक देखो सबसे पहले बात कर रहे हम जोन किड्स की तो ये जोन किड्स जो थे वो एक रोमांटिक पॉइंट थे जोन किड्स वॉज अ रोमांटिक पॉइंट रोमांटिक पॉइंट ये थे ओके okay. और जिस तरीके से ये अपनी पॉपुलर पोएम्स लिखते थे लिरिकल पोएम विच इज़ मेन्ट फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स का ये इस्तेमाल करते थे ठीक है और टुडे हिज पोएम आर वन ऑफ द मोस्ट शॉट आफ्टर क्रिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर द अबाउ गिवन पोएट्री इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम इनकी जो पोएम थी एंडी मियोन उसमें से ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये लिया गया है अ पोइटिक रोमांस एटीन एटी कंसिडर टू बी एन एपिक पोएम और माना गया है बढ़िया पोएम्स हैं इनकी काफी बढ़िया तरीके से ये लिखते थे कुछ ना कुछ सोशल मैसेज या हैप्पीनेस वाले मैसेज ये अपनी से प्रोवाइड करवाते थे ठीक है तो अब चलते हैं हमारे स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा की तरफ क्या है देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इंटू नथिंग नेस विल कीप अ क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं देखो कि अर्थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसी चीज जिससे देख कर के या जिसे अपने पास होकर के या वो चीज हमारे पास है या उसे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हैप्पीनेस मिलती है वो खुशी मिलती है ठीक है ना इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस और उसकी लवलीनेस यानी उसमें जो प्लेजर जो हैपीनेस होती है वो चीज बढ़ती जाती है कभी कम नहीं होती है ओके इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस कभी खत्म नहीं होगी या दूसरों में वो चीज नहीं जाएगी जब भी हम उस चीज के बारे में सोचेंगे देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें खुशी प्रोवाइड कराएगी हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाएगी, वो जो जॉय होता है वो कहीं ना कहीं हमें मिलने वाला है अब बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग देखो ये क्या कह रहे हैं बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप जैसे कि हम देखते ना कि हम कहीं धूप में कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो जैसे कि फार्मर्स होते हैं अब फार्मर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं ठीक है अपने फील्ड्स में खेतों में और धूप में भी वो खेती करते हैं जब उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है वो जाकर के जो पेड़ की छाया होती है ना पेड़ की छाया होती है उसमें जाकर के वो बैठ जाते हैं और वहाँ पे जब ठंडी हवाएं चलती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इन्होंने इम्पोर्टेंस बताया कि इस चीज़ में भी क्या है इस चीज़ में भी लवलीनेस है इस चीज़ में भी हैप्पीनेस है और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जॉय प्रोवाइड करवा रही है ठीक है और उसमें देखो जो नींद आती है स्वीट ड्रीम्स एंड एंड हेल्थ क्वाइट बिल्कुल देखो प्यारी नींद आती है अच्छी नींद आती है और पेड़ के नीचे हम सो रहे हैं तो नेचुरल प्राकृतिक ठीक तरीके से हम वहां पर सारी चीजें रिसीव कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं ठीक है ना जैसे कि ऑक्सीजन काइंड ऑफ ये सारी चीजें ठीक तरीके से हमें मिल रही है कोई एन चीज नहीं है पॉलाइटेड चीज नहीं है प्योर हमें चीजें मिल रही तो हम बिल्कुल ठीक तरीके से सो भी जाते हैं तो ये अपने आप में ही एक जॉय है एक हैप्पीनेस वहां पर बताया गया है इस पहले स्टैंजा में अब हम बात करते हैं इस फर्स्ट स्टैंजा में जो आपके लिटरेरी डिवाइस है वो कौन-कौन से हैं देखो राइम स्कीम जो इसमें है वो है ए ए बी बी और सी ठीक है ए ए बी बी और वो सी ठीक है किस वर्ड में है देखो फॉर एवर कीप स्लीप ब्रीथिंग ठीक है इनमें जो आपके राइम स्कीम दी है वो है ए ए बी बी सी ये राइम स्कीम है पॉइटिक डिवाइस कौन से हैं देखो एलिट्रेशन सबसे पहला है एलिट्रेशन कहाँ पर है देखो एलिट्रेशन होता क्या है यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड विच आर क्लोज स्टार्टिंग के दो वर्ड्स स्टार्टिंग के दो वर्ड्स जो कि

है मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक जो पूरा एक वो था पेड़ या हमने जिसकी बात की उसको कंपेयर किया था किससे एक ब्यूटीफुल चीज से कि जब पेड़ की छाया में यानी इतनी धूप पड़ रही है काम कर रहे हैं और जाकर के हम पेड़ की छाया में बैठ गए और पेड़ की छाया में जैसे बैठे ना वैसे ही हमें हैप्पीनेस मिली तो वह अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो गई ना हुई नहीं हुई तो उस चीज को यहाँ पे कंपेयर कर दिया तो इसमें कौन सा डिवाइस हो गया मेटाफोर कौन सा मेटाफोर डिवाइस ठीक है इसके बाद अगले स्टेंजा की हम बात करते हैं देखो अगले स्टेंजा में क्या है ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ टू टू बाइंड अस अर्थ स्पाइट ऑफ ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अवर डार्कनेट वेज मेड फॉर आर सर्च इंग स्पाइट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ तक बात कर लेते हैं देखो देअर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग देखो जब हम सुबह सुबह उठते हैं हम देखते हैं कि एक नई शुरुआत होती है नई सुबह की शुरुआत होती है एनर्जेटिक चीज़ों से और जब हम उठते हैं तो हम काफ़ी फ्रेश फील करते हैं और हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में है हमारे नेचर में उनसे हमें हैप्पीनेस मिले वो थिंग ऑफ ब्यूटी जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अ फ्लावरी बेन टू बाइंड अस टू द अर्थ कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पास है चाहे वो नेचर हो चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो हम कोई फ्रेंड हो कुछ ना कुछ चीजें या कोई थिंग हो तो वो चीजें हमारे पास हैं वो हम क्या कर रही है वो चीजें हमें धरती से बांधे रखने का काम कर रही है किससे बांधे रखने का काम कर रही है धरती से वो हमें बांधे रखने का काम का कर रही है तो ये अच्छा है अब हम जैसे सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं ना अब वो जब धूप निकलती है तो खिल जाते हैं एकदम खिल जाते हैं उनको जब हम देखते हैं और उन Uh, फूलों को तोड़ते हैं तो उनकी जब हम माला बनाते हैं या फ्लावरी बेंड वो जो आता है वो बनाते हैं तो वो कितना सुंदर लगता है वो अपने आप में ही एक थिंग ऑफ ब्यूटी है एक जोई एक हैप्पीनेस देने वाली चीज है है कि नहीं है वो है ठीक है इसके बाद वो क्या कहते हैं स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नॉर्बल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अवर डार्कनेट वेज ये कह रहे हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं स्ट्रेस एनजाइटी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर हम देखते हैं कि आजकल समाज में सोसाइटी में बिल्कुल जो ह्यूमिनिटी है वो दूर दूर तक नहीं है ह्यूमिनिटी जो है वो दूर दूर तक नहीं है कोई बात ही नहीं करता है तो इन सबके बीच में भी इतने डार्कनेट वेज यानी इतना जो खराब समय चलता है अंधेरे में जो टाइम चलता है दुखी समय जो चलता है उनके उन समय में भी हम जब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो चीज़ हमें हैप्पीनेस देती है खुशी देती है उसके बारे में हम सोचते हैं ना तो मेड फॉर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आर डार्क स्प्रिट्स तो होता क्या है कि जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो प्लेजरनेस वो हैप्पीनेस हमें रिसीव होती है जब वो हमें रिसीव होती है तो काफ़ी कुछ हम अच्छा महसूस करते हैं काफ़ी प्यारा हम महसूस करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि फ्रॉम आर डार्क स्प्रिट्स वो जो ग्लूमी डेज होते हैं दुख वाले दिन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ठीक हो जाते हैं कहीं ना कहीं हम वहाँ पर हैप्पीनेस फील करने लग जाते हैं ठीक है इसके बाद देखो इसके जो है लिटरेली डिवाइस उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले स्टेंजर जो टू था इसमें आपको एनफोरा क्या दिया है एनफोरा ये पोइटिक डिवाइस यूज किया है कहाँ यूज ऑफ द सेम वर्ड इन द टू कंसेक्टिव लाइंस ऑफ नोबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्थी देखो ऑफ नोबल नेचर एक तो ये और दूसरी क्या है ऑफ ऑल अनहेल्दी ठीक है तो यहां पर यूज किया है तो ये हो गया एलिट्रेशन देखो कॉन्सोनेंट साउंड की बात की थी तो नॉबल नेचर आ रहा है ना कहा रहा है नॉबल नेचर आ रहा है और उसके बाद देखो बेंड बाइंड बेंड और बाइंड भी आ रहा था ठीक है बेंड और बाइंड तो बी और बी दोनों कॉन्सोनेंट हो गए तो इसमें एलिट्रेशन हो गया ठीक है मेटाफोर इसमें यूज करा है रेडिंग अ फ्लावरी बेंड द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आर लाइफ बाइंड अस टू अर्थ यानी फ्लावरी बेंड जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें थीं कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको क्या किया गया था मेटाफो metaphor, मेटाफोरिकली uh, बताया गया था कंपेयर करते हुए कि वो चीज़ें यूज की जा रही हैं वो हमें किससे बाइंड करके रखती है धरती से तो इसके लिए मेटाफोर हो गया इमेजरी पॉइटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया था क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट और ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन स्टेयरिंग देखो जब चीजें ब्यूटीफुल अब बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं उनको हम बिल्कुल ऐसे जमा देंगे माला बना देंगे काइंड kind ऑफ of ये बैंड बना देंगे तो अच्छा लगेगा ना बिल्कुल अच्छा लगेगा तो वो काफी क्रिएटिंग एकदम क्रिएटिंग इफेक्ट डाल रहा है तो इसलिए इमेजरी यहाँ पे हमने देख लिया इन्वर्जन इन्वर्जन का है नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन रिवर्स जैसे कि रिवर्स में वर्ड्स को रखना आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बेंड आर वी रेडिंग बैंड तो यहाँ पर आपके इनवर्जन पॉइटिक डिवाइस यूज किया है तो जो स्टेंजा टू था उसमें यूज किया गया है और स्पेसिफिक कहाँ कहाँ यूज किया गया है वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ठीक है अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो इसके बाद अगले स्टेंजा पे चलते हैं सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउंटिंग शेडी बून For simple sheep and such are डे with the green world they live in and clear rills. क्लियर रिल्स देखो ये कह रहे हैं कि सच the, the moon ab koi अब कोई जो चीज़ है ना एक कोई भी जो चीज़ है ठीक है cheez जो चीज़ है वो किसी के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है जैसे कि हमारे लिए नेचर हो सकती है आपके लिए कुछ और चीज़ हो सकती है तो किसी के लिए भी वो कुछ भी चीज़ हो सकती है ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए आपके लिए नहीं वो किसी के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है ठीक है तो जैसे यहाँ पे बताया सन हो सकता है किसी के लिए मून हो सकता है किसी का कोई चांद हो तो वो हो सकता है ठीक है तो सन या मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउंटिंग अ शेडी बून छोटे छोटे पौधे छोटे छोटे जैसे फ्लावर्स की हम बात करते हैं या ट्रीज़ की बात करते हैं उनकी छाया की हम बात करते हैं उनकी हवा की उनके फल फ्रूट की हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए हो सकती हैं फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स डेफोडिल्स छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स देखो ग्रीन वर्ल्ड जो यहाँ पे यूज़ किया है वो यूज़ किया गया है जंगल के लिए कहाँ के लिए फ़ॉरेस्ट जो होते हैं उनके लिए अब फॉरेस्ट में हम देखते हैं ना बिल्कुल हरा भरा रहता है फॉरेस्ट क्या रहता है बिल्कुल हरा भरा रहता है ठीक है फॉरेस्ट जो हरा भरा रहता है उसमें हम देखते हैं रिल्स जो क्लियर रिल्स होती हैं छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं यानी कि हल्की फुल्की जो छोटी छोटी नहरें हम बात करते हैं वो होती हैं वहाँ पे और वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है उनके आजू बाजू फूल लगे हुए रहते हैं और बिल्कुल ग्रीन सा इन्वायरमेंट रहता है तो ब्यूटीफुल क्यों नहीं लगेगा और उसे देखते ही हैप्पीनेस क्यों नहीं आएगी सुकून क्यों नहीं मिलेगा शांति क्यों नहीं मिलेगी मिलेगी जरूर मिलेगी दैट फॉर दैम साल्स कूलिंग कवर्ड मैक गैस द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक और जब देखो हॉट सीज़न यानी समर सीजन होते हैं ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले से में बताई कि गर्मी में हम काम कर रहे हैं और ऐसी जगह पे हम चले जाएं जहाँ पे सुकून है छाए है हवा है पानी है सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो जोई मिलेगा नहीं मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा वो जोई हमें मिलेगा वो हैप्पीनेस हमें उस चीज़ में मिलने वाली है क्यों नहीं मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी ठीक है और जब ये हमें ब्यूटी मिलती है मतलब ब्यूटी इन द सेंस की हमें जब हैप्पीनेस मिलती है उन चीजों से तो हम लोग क्या करते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इतने खुश हो जाते हैं इतने खुश हो जाते हैं कि बस पूछो मतो ठीक है तो इतने खुश हम हो जाते हैं ओके अब आगे चलते हमारे इनके लिटरेरी डिवाइस पर तो स्टैंड नंबर थ्री में देखो एलिट्रेशन यूज किया गया है यूज ऑफ this एट sprouting क्या विच आर क्लोज इन सीरीज एस जैसे और फिर उसके बाद देखो सिंपल शीप ठीक है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड एस एस यूज किए तो मैंने कहा था कि एक वर्ड जो सीरीज होती है उसमें अगर कॉन्सोनेट वर्ड बार बार यूज करें तो वो कौन सा हो जाता है एलिट्रेशन हो जाता है ठीक है इसके बाद इमेजरी यूज किया गया है कहाँ पर ट्रीज गिविंग शेड स्प्राउंटिंग शेड ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डेफोडिल्स किस तरीके से ये जो फूल हैं वो उग रहे हैं वो भी ग्रीन वर्ल्ड में है क्लीन रिवर तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बताया है। इसको सिस्टमैटिक थोड़ा सा बताया है, है ना तो वो चीज के लिए यहाँ पर इमेजरी यूज कर लिया और लास्ट जो है है अपोजिट वर्ड प्लेस टूगेदर दो अपोजिट वर्ड यूज किए दोन कौन से ओल्ड और यंग ठीक है सो दिस वन ओल्ड एंड यंग द अपोजिट वर्ड्स वाई बी यूज दिस ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले स्टेंजा की अगला स्टेंजा क्या है हमारा लास्ट स्टेंजा जो है

स्प्रिंग के सीजन में जो फूल होते हैं मस्क रोज वाले जब वो खिलते हैं तो उनकी खुशबू है वो पूरे गार्डन तक फैल जाती है पूरी तरीके से वो कवरअप कर लेती है जब हम वहाँ जाते हैं हम उस चीज़ को फील करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हमें क्या देगी वो हमें जो हैप्पीनेस देगी खुशियाँ देंगी बस फिर क्या चाहिए जीवन में जब खुशियां मिल रही है तो आदमी कहाँ दुख के बारे में सोचेगा कहाँ पुरानी बातें सोचेगा सोचेगा क्या बिल्कुल नहीं सोचेगा और यही तो नहीं सोचना इसलिए ऐसी चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड कराए खुशियां बाटे ठीक है नाउ वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेट ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रीड अब हम ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं हीरो की कहानियाँ पढ़ते हैं लेजेंड्स की कहानियाँ पढ़ते हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम भी इनके जैसे हों इनके जैसे काम करें काइंड ऑफ सारी चीज़ें तो वो भी अपने आप में एक हैप्पीनेस है एक जॉय है जो वो हम वहाँ से रिसीव करें एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल रिंग

इस वाले में कौन-कौन से सबसे पहले एलिट्रेशन है, है. कहाँ पर जो हैव और इसमें आया ना तो वहां पर हमें दिया हुआ है ठीक है ये दो कॉन्सोनेंट वर्ड आ गए और ये हमें एलिट्रेशन मेटाफोर दिया हुआ है इसमें इमोटरल ड्रिंक्स इसको कंपेयर करा था ना तो ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिल रही है जो कि मॉडल ड्रिंक का काम कर रही है और ये कभी खत्म ही नहीं होंगी ठीक है ना तो ये इसके लिए मेटाफोर राइम राइम स्कीम जो इसके लिए यूज थी वो देखो स्टेंजा में नेवर स्लिप जो हमने आगे पढ़ी थी ए ए बी बी और सी ठीक है इमेजरी जो है बशेस ऑफ फुल ऑफ मस्क रोजेस तो यहाँ पे इमेजरी यूज किया बिल्कुल सिस्टमेटिक बताने के लिए तो यहाँ पे ये इमेजरी यूज़ किया है ओके अब हम बात करते हैं कुछ नए वर्ड्स जो यहाँ पर दिए हुए थे जैसे कि बावर इसका मतलब होता है अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स यानी कि जैसे पेड़ होते हैं उनके नीचे जो जगह होती है प्लेजेंट हाँ ऑब्वियस सी बात है चढ़ने के लिए, लिए या फिर आराम करने के लिए ठीक है मोरो मोरो का मतलब होता है द फॉलोइंग डे ओके रेडिंग रेडिंग का मतलब होता है

पाल पाल यहाँ पे लिखा था तो पाल का मतलब क्या होता है क्लाउड एक बादल डार्क क्लाउड ऐसा बादल अंधेरे का बादल जिसमें दुख हो काफी ज्यादा क्या हो दुख हो ठीक है तो पाल का मतलब ये हो जाता है ओके सोल वेयर लाई आर इमोशन एंड कैरेक्टर स्प्रिट्स वो होती है आत्मा बात करते हैं जो हमारा कैरेक्टर होता है ठीक है जो हमारा कैरेक्टर होता है जो इमोशंस हम क्रिएट करते हैं वो स्प्राउन स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग का मतलब होता है डेवलप सडनली इन लार्ज नंबर्स अचानक से ही बड़ी मात्रा में कोई चीज विकसित हो जाना शेडी बून इसका मीन होता है शेड विच इज हेल्पफुल समवन ठीक है किसी के लिए कोई चीज जो मददगार हो रिल्स स्ट्रीम रिल्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स ऑफ रनिंग वाटर जो बहते हुए पानी की छोटी छोटी नहरें से काइंड kind ऑफ of होती है लहरें ले, वो उनके हम बात करें ठीक है तो आई होप कि बिल्कुल आपको अच्छे से ये जो हमारा फ्लैमिंगो की जो ये पोइम थी वो समझ में आई होगी अ थिंक ऑफ ब्यूटी विच इज रिटन बाई जॉन किड्स ठीक है और इसके जो क्वेश्चन आपके आने हैं ना सब्जेक्टिव पैटर्न में जैसे पॉइटिक डिवाइस पर आता है तो हमने कर ही लिया ठीक है एक्सट्रैक्ट अगर आ गया उसमें चार पूछ लिए तो पॉइटिक डिवाइस हो गए और अगर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया उसका आंसर करना है तो ऑब्वियस सी बात है समरी आपने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी है समरी पे ध्यान रखना और वही चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है अगर हमसे रिलेट ओपिनियन पूछ ले तो अपने नेचुरल तरीके से अपने ओपिनियन भी एक्सप्रेस करने चाहिए जिससे कि और अच्छे तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाए एग्जामिनर जो होगा वो इम्प्रेस होगा ठीक है तो बिल्कुल ये तरीके से आपको आसर्स करने आई होप आपको वीडियो जो है लेक्चर ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा सो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों